भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के पूर्व अधिकारियों ने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। देशद्रोह की श्रेणी में आने वाले ये आरोप इतने गंभीर हैं कि सोचकर आत्मा कांप जाती है। हमारा देश कैसे लोगों के हाथ में रहा है और ऐसे अतीत वाले व्यक्ति को देश का उपराष्ट्रपति बनाया किसने? हेलो एंड नमस्कार मित्रों, बचपन में मुझे कभी समझ नहीं आया था कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल इनके लिए उम्मीदवार कैसे चुनते हैं। मतलब जैसे प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको एक बड़ा नेता होना चाहिए, आपकी पार्टी को बहुमत मिलना चाहिए, फिर संसदीय दल को आपका चयन करना चाहिए। लेकिन ये गैर राजनीतिक पद कैसे मनोनीत किए जाते हैं? हमेशा देखने में आया है कि किसी कॉलेज के वाइस चांसलर या प्रोफेसर को ये पद मिलते हैं। ऐसे ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हामिद अंसारी को 2007 में देश का उपराष्ट्रपति बनाया गया। इससे पहले वो माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष और अरब देशों में भारत के राजदूत भी रहे। आपको याद दिलाता हूँ, 10 अगस्त 2017 को अंसारी का कार्यकाल पूरा होने पर प्रधानमंत्री ने अपने अभिभाषण में क्या कहा था। आपके कार्यकाल का बहुत सारा हिस्सा वेस्ट एशिया से जुड़ा रहा है, जगह उसी माहौल में, उसी सोच में, उसी डिबेट में, ऐसे लोगों के बीच में रहे। आपका माइनॉरिटी कमीशन हो या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, तो एक दायरा आपका वही रहा। हो सकता है कुछ छटपटार रही होगी भीतर आपके अंदर भी, लेकिन आज के बाद शायद वो संकट आपको नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री ने उस समय जो इशारे में कहा था वो आज रॉ के अधिकारियों के माध्यम से खुलकर देश के सामने आ गया है। द संडे गार्जियन में छपे एक लेख के अनुसार रॉ के अधिकारियों ने अंसारी के ईरान दूतावास के कार्यकाल की जांच करने की मांग की है। और ये मांग कोई आज नहीं की है, अंसारी का कार्यकाल पूरा होने पर अगस्त 2017 में ही कर दी थी। लेकिन आज मीडिया से जो जानकारी मिली वो स्तब्ध करने वाली है। अधिकारियों के अनुसार ईरान के कार्यकाल में जो 1990 से 1992 तक चला, न केवल अंसारी अपने राष्ट्रीय दायित्व को निभाने में असफल रहे, बल्कि ईरान सरकार और ईरान की खुफिया एजेंसी सवाक के साथ मिलकर भारत की खुफिया एजेंसी रॉ को तबाह करने में बड़ी भूमिका निभाई। अब इससे बड़ा राष्ट्रद्रोह का आरोप तो शायद ही किसी राजदूत पर लग सकता है। रॉ अधिकारी एनके सूद बताते हैं, अगस्त 1991 में रॉ ने अंसारी को ये रिपोर्ट दी कि कुछ कश्मीरी लड़के कॉम नाम के एक रिलीजियस सेंटर पर जाते हैं जहां उन्हें आतंकवादी ट्रेनिंग दी जाती है। अंसारी ने उस रॉ अधिकारी डीबी माथुर की जानकारी ईरान सरकार को दे दी और एक सुबह माथुर को सवाक ने उठा लिया। रॉ ने अंसारी को रिपोर्ट किया तो अंसारी ने बस एक FIR करा दी और भारत सरकार को सूचना कर दी। सूचना में ये नहीं बताया कि ये किडनैप ईरान की खुफिया एजेंसी ने किया है। अगले दिन जब रॉ ने ये खबर अटल बिहारी वाजपेयी तक किसी तरह पहुंचाई, तब वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को बताया, तब जाकर माथुर को छुड़ाया जा सका। माथुर ने बताया कि ईरान की एजेंसी को सूद और ईरान में रॉ के चीफ के बारे में भी सब पता है, और ये ईरान सरकार को अंसारी के अलावा कौन बता सकता है। एक दूसरी घटना में ऑफिसर संदीप कपूर को जब ईरान सरकार ने किडनैप किया तो रॉ के इनपुट के बाद भी अंसारी ने विदेश मंत्रालय को ये लिखा कि कपूर को किसी ईरानी महिला के साथ संबंध होने के कारण उठाया गया है। यहां भी उन्होंने रॉ की इनपुट भारत सरकार तक नहीं पहुंचने दी। 3 दिन बाद कपूर एक रोड पर पड़े हुए मिले और उन्हें इस प्रकार की दवाइयां दी गई थी जिनका असर कई वर्षों तक रहा। रॉ प्रमुख पीके वेणुगोपाल की भी इसी तरह पकड़कर पिटाई की गई थी, लेकिन अंसारी ने कुछ नहीं किया। एक और गंभीर घटना तब हुई जब रॉ ने एक धांधली का पर्दाफाश किया। ईरान के नागरिकों को भारत का स्टूडेंट वीजा देने के मामले में रॉ ने जांच की तो पता लगा कि भारतीय यूनिवर्सिटीज से जिन लेटर्स पर वीजा दिया जाता है वो लेटर्स यूनिवर्सिटी ने कभी जारी ही नहीं किए। अब ये किन लोगों को स्टूडेंट्स बनाकर भारत भेजा जा रहा था? रॉ ने लिखित रूप में अंसारी से इसकी शिकायत की, लेकिन अंसारी ने मामला दबा दिया। बहरहाल अधिकारियों ने पीएम मोदी से इसकी जांच की मांग की है। क्या दोषी को कभी सजा मिल पाएगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये कौन बताएगा कि प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव यानी भारत सरकार को ये सब जानकारी होते हुए भी ऐसे व्यक्ति को उपराष्ट्रपति के पद के लिए कैसे मनोनीत कर दिया गया, वो भी एक नहीं दो दो बार। अंसारी ईरान में किसके लिए काम कर रहे थे ये तो जांच से ही पता चलेगा, लेकिन 2007 में UPA सरकार के तहत उनको उपराष्ट्रपति किसके इशारे पर बनाया गया ये कौन बताएगा।
भारत को इतना खतरा पाकिस्तान से नहीं है जितना देश में छुपे बल्कि अब तो खुले घूमते पाकिस्तानियों से है। बाबा से आज का प्रश्न पूछा है हमारे नियमित श्रोता परफेक्ट विजुअलाइजर ने, ये साउथ इंडियन द्रविड़ पॉलिटिक्स का क्या सीन है, इसके पीछे किसका हाथ है। देखिए, देश को तोड़ने के लिए जो नेक्सस बना हुआ है उन सबके तार आपस में जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान हो या चाइना, फोर्ड फाउंडेशन हो या विदेशी एनजीओ, नक्सली हो या एलटीटीई, सबके ये देश को बांटने के तरीके ढूंढते हैं। कहीं भाषा तो कहीं अमीर गरीब, कहीं जाति तो कहीं धर्म, वैसे ही ये उत्तर दक्षिण का भेद। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, अब तो साउथ इंडियन फिल्में डब होकर हिंदी में आने लगी हैं और हिंदी वाली वहां देखी जाने लगी हैं। अब धोनी चेन्नई के लिए खेलते हैं और दिनेश कार्तिक कोलकाता के लिए। अगर आप भी देश विरोधियों को हराना चाहते हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।